फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मुझसे। आप में से बहुत लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैं अपने बालों के लिए, मेरे बाल काफ़ी हेल्दी लगते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं लोगों को, तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कुछ टिप्स शेयर करूँ। तो मैं आज आपके लिए एक जूस लेकर के आ गई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट मुझे की गई थी कि मैं हेल्दी हेयर के लिए एक जूस की रेसिपी बताऊं। तो ये जो रेसिपी है, ये जो जूस है, ये आपके बालों को हेल्दी बनाएगा। ये पूरा आपके बालों का ओवरऑल टेक्सचर को हेल्दी बनाएगा, ये आपके बालों को ग्रोथ देगा, शाइनी बनाएगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और एक हेल्दी लुक देगा। आपकी हेयर काफ़ी हेल्दी लगने लगेंगे। और यही नहीं, ये जो जूस है ये सिर्फ आपके बालों के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा, इसको जब आप कंज्यूम करिएगा तो आपको आपके स्किन पर भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा, आपके स्किन भी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो जूस है ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं करने वाला है कि आपने आज पिया और कल आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा। ये अपना इफेक्ट तकरीबन कम से कम भी तो 15 दिन 20 दिन लेगा ही लेगा अपना इफेक्ट दिखाने में। तो इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद में इसे मत पीजिएगा कि हम आज पियेंगे और कल हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग दिखने लगेंगे। आपको 15-20 दिन में इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं सीखते हैं हमारी इस जूस की रेसिपी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ यार उस लाल डिब्बे को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भौकाल मचा दो, क्योंकि आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे। तो चलिए अब फाइनली सीखते हैं हमारी जूस की रेसिपी। सो इस जूस को बनाने के लिए जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है स्पिनच। मैं यहाँ पे अपने घर से फ्रेश तोड़ा हुआ स्पिनच यूज कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि बेबी स्पिनच यूज करिए, अगर वो आपको नहीं मिलता है तो ही आप नॉर्मल जो बड़े लीव वाले स्पिनच होते हैं उनको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए बेबी स्पिनच यूज करने का। स्पिनच में जो होता है उसमें विटामिन सी, बी, ई, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती हैं जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, आपके हेयर को एक हेल्दी लुक प्रोवाइड करने में बहुत हेल्दी बनाती हैं। तो इसलिए आपका हेयर जो है वो काफी हेल्दी दिखेगा। साथ ही साथ इसमें जो आयरन होता है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसके वजह से वो आपके हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर स्ट्रैंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से आपका हेयर फॉल भी बहुत कम कंट्रोल होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपके हेयर फॉल को भी ये कंट्रोल करता है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बेजिल लीव्स, यानी कि तुलसी के पत्ते, जिसे हम होली बेजिल भी बोलते हैं। होली बेजिल जो होता है, यानी कि तुलसी लीव्स जो है, ये आपके हेयर को, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ये जिनके भी रफ, डैमेज, फ्रिजी हेयर होते हैं उनके हेयर में भी बहुत अच्छा एक लाइफ प्रोवाइड करता है, आपके हेयर को हेल्दी बनाता है। इन शॉर्ट ये आपके हेयर का जो लुक है, ओवरऑल लुक को बहुत इम्प्रूव करेगा, उसको शाइनी एंड लस्ट्रस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कैरेट। जी हाँ, कैरेट जो होता है वो हमारे हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर को एक थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके हेयर के जो टेक्सचर है, जो थिकनेस है, जिनके बाल बहुत ही चिपके चिपके या फिर कह लीजिए कि बहुत थिन है, बिल्कुल पतले से लगते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई पाई जाती है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। एंड साथ ही साथ ये तो हम सभी जानते हैं कि कैरेट में नेचुरली बेटा कैरेटीन पाया जाता है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए कैरेट को आपको डेफिनेटली अपने डाइट में भी इंक्लूड करना चाहिए, साथ ही साथ हम इस जूस में भी इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं कि ये आपके हेयर को, जिनके भी थिकनेस एक प्रोवाइड करेगा, जिनके भी बहुत ही पतले पतले हेयर हैं, जो अपने पतले बालों से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये आपके हेयर को एक लेंथ भी प्रोवाइड करेगा, मतलब आपके बाल अगर नहीं बढ़ते हैं जल्दी तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम इन
सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इसका एक स्मूदी या फिर जूस आप जो भी कहिए उसे रेडी कर लेंगे, और हमारा जूस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, देन फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। लेमन जूस एंड सिनेमन पाउडर दोनों ही आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, साथ ही साथ ये आपके हेयर के अदर प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। और ये जो हमारा जूस है अब बन के रेडी हो गया है, इसको हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो जूस है ये 1 ग्लास आपको अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक रेगुलरली लेना है बिना स्किप किए, और कम से कम आपको इसका इफेक्ट दिखने में 15 से 20 दिन लग ही जाएंगे, और ये कोई चमत्कार नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि आप आज पिए और कल आपको चमत्कार दिख जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा आपके हेयर्स के ऊपर। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए ज़रूर कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेमेडी और इसका इफेक्ट आपके हेयर के ऊपर कैसा हुआ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग रेमेडी रेसिपी या डाइट प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।